देखो गुड मॉर्निंग इज डेट सब्जेक्ट मैथ क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 3.1 का रिवीजन। मैं आपको बता दूं इसकी समरी में जो हमें सीखना है वो मीन रेंज इसके बारे में सीखना है। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बड़ा इजी है, जो आपको डाटा दिए जाएं उनका सम प्लस करके ऊपर लिखना है, उनकी काउंटिंग करके नीचे लिखना है और डिवाइड कर देना, मीन आ जाएगा। रेंज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, जो क्वेश्चन आपको मिले उनके डाटाज का सबसे बड़ा नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे तो वो उसकी रेंज है, यानी डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर वन डूवर नहीं करना है क्योंकि वो क्लास के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन होता है। तो इट इज द रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑर्गेनाइज मार्क्स इन ए टेबुलर फॉर्म, ये डिजिटल 4 6 7 5 3 5 4 7 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7, ये इनको आपको टेबुलर फॉर्म में रखना है। तो सॉल्यूशन वन, ये तो मार्क्स हो गए असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मार्क्स ही हुए। अब ये टैली मार्क्स कितनी बार रिपीट हुए, जैसे 1 1 बार आए तो 1 टाइम, 2 2 टाइम्स आए तो 2 बार, 3 1 टाइम्स आए, 4 3 टाइम्स आए 1 2 3, 5 5 टाइम्स आए 1 2 3 4 5, 6 4 बार आए 1 2 3 4, 7 2 बार आए 1 और 2, 8 सिर्फ 1 बार है, 9 भी 1 टाइम्स है। ये हो गए टैली मार्क्स, यानी 4 खेसते फिफ्थ लाइन को तिरछा खेसते हैं, जिससे फिफ्थ का एक ग्रुप होता है। इसमें फ्रीक्वेंसी वो यही 1 बार ये 2 बार। अब ये तो हो गए टेबुलर फॉर्म, अब हाईएस्ट मार्क्स कितने 9, लोवेस्ट मार्क्स 1, रेंज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट बड़े से बड़ा 9 मार्क्स है, छोटा 1 है, इसका डिफरेंस 8। मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनका प्लस करें। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 बार 1 आया तो 1, 2 2 जा 4, इनका मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8 और 9 1 जा 9। चाहे इन सब का प्लस करें चाहे इनका करें, जैसे 4 6 10 17 22 25 30 34 39 41 47 49 54 55 64 70 75 82 83 87 87 और 6, 93 93 और 7 100। तो इनका सम कितना आएगा, 100 आएगा। चाहिए कर ले 1 4 5 3 8 20 25 45, या यू 1 10 15 19 23 31 और 9 40 0 4 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो 100 आया। 20 से डिवाइड कर मीन कितना आ गया 5। तो पूरी एक्सरसाइज में यही है, आपको डाटा अलग अलग मिलेंगे, बाकी करना आपको इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब
देखो थर्ड में भी हमें वही निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट फाइव होल नंबर। अब फाइव होल नंबर कौन से हैं? होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनका प्लस 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 10 divided by 5, 5 to 10। ऐसे फोर्थ में फाइंड द मीन ऑफ दीज डिजिट्स, तो मीन निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये नंबर्स हमने लिख दिए यहाँ पे 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 and 100। काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 8। अब इनका प्लस किया तो कितना आया 400 divided by 8। 8, 5 जब 40, 0, तो मीन कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन आप बुक में से देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक है, सभी के पास अवेलेबल होगी। अब इसमें 3 प्लेयर है, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी। मीन और प्लेयर ए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, फॉर्मूले ऊपर लिखे हैं। तो ए प्लेयर ने 4 गेम खेले हैं, पहले में 14 रन बनाए, दूसरे में 16, तीसरे में 10, फोर्थ में 10। 4 से डिवाइड कर दें, इनका सम आएगा 50 अपॉन 4। तो 50 को जब 4 से डिवाइड करें, देखो 50 divided by 4 = 4, 4 2 = 8, 4 5 = 20, कितना आ गया 12.5। डिवाइड बाई थ्री, वी फाइंड द मीन ऑफ सी, तो डिवाइड बाई 3 और 4। सी में जब हम मीन फाइंड करें किससे डिवाइड करेंगे, तो आप टेबल में देखना एक कॉलम में सी के आगे लिखा है डिड नॉट प्ले, तो 100 वी डिवाइड बाई 3, क्योंकि उसने 3 गेम खेले हैं। सी प्ले ओनली 3 गेम्स, नहीं कि उसने 4 गेम खेले। तो हम मीन फाइंड करने के लिए उसके रन्स को 3 से डिवाइड करेंगे। थर्ड में मीन ऑफ बी प्लेयर, बी के रन है 0, 8, 6, 4 divided by 4 गेम खेले 4, इनका सम 18 divided by 4। 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4.5। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, ए बी सी में से कौन अच्छा खेला है, तो ए का मीन तो हमारा ये 12.5, बी का मीन है 4.5, सी का मीन 10.67 है, बट उसने सभी गेम नहीं खेले, तो इसको हम नहीं मानेंगे। इन दोनों की तुलना करें तो कौन बेस्ट परफॉर्मर है, ए, तो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 6 के डाटा ये हैं 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 8175। इसमें सबसे पहले पूछा हाईएस्ट मार्क्स कितने, 95, लोवेस्ट मार्क्स 39। अब रेंज हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स 95 माइनस 39, इनका माइनस करेंगे तो कितना आएगा 56। ऐसे थर्ड में मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो डाटा है इनका प्लस करना है, 730 आएगा, करके देख लेना 5, 6, 11, 16, 25, 33, 39, 39 और 5, 44, 45 और 5,
फिफ्टी की जीरो कैरी फाइव एट फाइव थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन थर्टी सेवन फोर्टी फोर्टी फोर फोर्टी नाइन फिफ्टी एट फिफ्टी एट और एट सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स और सेवन सेवेंटी थ्री नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन से डिवाइड करेंगे जीरो जीरो क्रॉस कितना आएगा सेवेंटी थ्री। ऐसे सॉल्यूशन सेवन मीन निकालना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन नंबर्स ये है अपॉन कितने नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनका प्लस करना ये आएगा ट्वेल्व थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी एट डिवाइड बाई सिक्स सिक्स इसको डिवाइड करो सिक्स टू जेड ट्वेल्व आगे से नंबर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इससे छोटा रहेगा सो जीरो फिर आगे वाला नंबर उतारेंगे थर्टी फोर सिक्स फाइव जब थर्टी फोर और एट सिक्स एट जब फोर्टी एट डिवाइड आप भी करके देखिए तो इसका मीन टू थाउजेंड फिफ्टी एट आएगा। सॉल्यूशन एट डाटा जीरो पॉइंट जीरो जीरो ट्वेल्व पॉइंट टू टू पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो ट्वेंटी पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव एंड वन पॉइंट जीरो ये रेयर फॉर दे रखी है एम एम ए ये मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे पहले भी पूछी रेंज रेंज हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर हाईएस्ट डिजिट कौन सी इसमें 20.5 लोवेस्ट 0.0 तो रेंज कितनी आ जाएगी 20.5 एम एम अंडरस्टैंड। अब मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सब का प्लस करेंगे तो यह आएगा 41.3 डिवाइड बाई 7 इससे डिवाइड कर लेना देखो 41.3 डिवाइड बाय 7 7 5 जा 35 6 पॉइंट यहाँ जाएगा 3 7 9 जा 63 तो कितना है 5.9 एम एम। थर्ड क्वेश्चन है इन विच डे लेस द मीन रेनफॉल मीन रेनफॉल से कौन कौन से दिन कम बारिश हुई तो कंपेयर करते हैं मंडे कम है तो ऑन मंडे ये वेडनेसडे फिर थर्सडे ये नहीं सैटरडे और संडे तो इन फाइव डेज में लेस रेनफॉल हुई है मीन से ये मंडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे। सॉल्यूशन नाइन ये तो डाटा आज है 135 150 139 128 151 132 146 149 143 141 तो टोलेस्ट गर्ल सबसे ज़्यादा हाइट कौन सी गर्ल्स की है इसमें देखें आप तो 151 सबसे ज़्यादा है। शॉर्टेस्ट गर्ल्स हाइट सबसे कम किसकी है आप ही देखें इसमें 128 सेंटीमीटर। रेंज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 151 लोवेस्ट 128 और इनका डिफरेंस 11 में से 8 गया 3 4 में से 2 गया 2 1 में से 1 0 तो 23 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया ये इसकी रेंज है। मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसका हम प्लस करेंगे इन डाटा आज का तो कितना आएगा 1414 रफ में आप भी कर लेना चाहिए डिवाइड बाय 10 तो मीन हाइट
141.4 mm, सॉरी ये सी एम में नहीं है, एम एम में। अब फिफ्थ में ये और पूछ है, हाउ मेनी गर्ल्स हाइट मोर देन मी, मी से कितनी गर्ल्स की हाइट ऊंची हो रही। तो देखो हम यहाँ पे कब, सॉरी सी एम है, सेंटीमीटर, सी एम की फुल फॉर्म सेंटीमीटर, एम एम से मिलीमीटर हो जाता है कि दरो सेंटीमीटर। अब यहाँ कंपेयर करो 141 से कितनी ज्यादा है, 1 ये कम है, 2 1 ये ज्यादा होगा, 2 3 4 और ये 5, यानी देखो ये भी बड़ा है इससे, ये भी डिजिट बड़ी है इससे, ये भी डिजिट बड़ी है इससे, ये भी डिजिट बड़ी है इससे, और ये भी डिजिट बड़ी है इससे। इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो हाउ मेनी गर्ल्स हाइट मोर देन मी, 5 गर्ल्स। तो आई होप दैट मीन रेंज आपको निकालने आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है। आफ्टर दैट यू हैव एनी डाउट कर दे द मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।